हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है वीर और आप देख रहे हैं डाउट क्लियर। मैट्रिक्स के इस सिक्स्थ पार्ट में आज हम लोग जानेंगे कि आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स क्या होती है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और जानते हैं आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स क्या होती है। कोई भी मैट्रिक्स जिसका स्क्वायर कर देने पे वही मैट्रिक्स मिल जाती है तो उसको बोलते हैं आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स, और ये सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में होता है। अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स का स्क्वायर कर दिया जाए और अगर वही मैट्रिक्स वापस मिल जाती है हम लोग को तो वो क्या कहलाती है, एक आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैंने एक ये मैट्रिक्स बनाई, ठीक है, जिसके एलिमेंट मैंने रखे 1 0 0 0, ठीक है, और ये नॉन जीरो मैट्रिक्स है, ठीक है, नॉन जीरो मैट्रिक्स है, ठीक है। अगर इसका स्क्वायर कर देने पे यही मैट्रिक्स वापस मिल जाती है तो हमें ये क्या कहलाएगी, एक आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर 2x2 का है। देखिए, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, क्योंकि इसके नंबर ऑफ रोज इसके नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर हैं, ठीक है। अगर नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर हैं तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाती है, ठीक है। और अगर किसी भी नॉन जीरो मैट्रिक्स का स्क्वायर कर दिया जाए और हम लोग को वापस वही मैट्रिक्स मिल जाती है तो वो एक आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स कहलाती है। ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है, ठीक। तो जैसे ये एक मैट्रिक्स है, ठीक है, अब हम लोग इसका स्क्वायर कर दें, ठीक। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने जाना था कि अगर किसी चीज का स्क्वायर करते हैं तो वो स्क्वायर कैसे होगा। जैसे इसका मैंने स्क्वायर किया तो ए इंटू ए होता है, ठीक है, मतलब कोई मैट्रिक्स ए ले ले फिर उसको दोबारा ले ले, उन दोनों को इंटू करवा दें तो हम लोग को क्या हो जाएगा, वो एक स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, मतलब ए का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे ए स्क्वायर है, हम लोगों ने ए एक बार ले लिया 1 0 0 0, ठीक है, और दूसरा फिर से ले लिया वही चीज 1 0 0 0, ठीक है। अब इन दोनों का हम लोग इंटू करवाएंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, ये इसका रो इसके कॉलम से लेंगे, ठीक है, तो 1, ठीक, इंटू 1 फिर प्लस 0 0, ठीक है, 0 इंटू 0, ठीक है, 0 इंटू 0, ठीक है। अब इसको इसके संग करवाएंगे, ठीक है, तो ये 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0, ठीक है। अब इसको इसके संग करवाएंगे 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0, ठीक। अब इसको इसके संग कराएंगे तो 0 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0, ठीक है, तो हम लोग को क्या मिलेगा, 1 0 0 0, ठीक है। हम लोग को ये स्क्वायर मैट्रिक्स मिली और देखिए ये ए स्क्वायर है, ठीक, ए स्क्वायर देखिए ए के बराबर आया, ठीक। तो यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, अगर कहीं पे ये मिल जा रहा है किसी भी मैट्रिक्स का, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगी, एक आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स कहलाएगी, ठीक। ये एक आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स कहलाएगी, अगर उसका स्क्वायर कर देने पे वापस वही मैट्रिक्स मिल जाती है तो वो एक आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स कहलाएगी, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे जरूर पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर देने की जरूर कोशिश करूंगा, ठीक है।